तेज धमाके के साथ कांपा बलरामपुर शहर, एक व्यक्ति को ही मौके पर ही मौत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर की, जहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र के गदुरहवा मोहल्ला बलरामपुर में मोहम्मद रजा पुत्र स्वर्गीय अब्बास, जो कि फेरी लगाकर चूड़ी का व्यवसाय करता था, सुबह करीब 9 बजे तेज धमाका हुआ, जिससे उनके घर के बगल में बने घर कम से कम दर्जन भर मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सुबह करीब 9 बजे ये घटना हुई। खाना बनाते समय हुआ ये बड़ा हादसा। घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित सुबरा बेगम पत्नी मोहम्मद रजा नाश्ता बना रही थी, इसी दौरान सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया, जिसमें घटनास्थल पर ही ननकन पुत्र शहादत अली की मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार एवं पुलिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाल नगर पुलिस टीम के साथ पहुंचकर घायल सुबरा बेगम व उनकी बेटी रूबी को तत्काल इलाज के हेतु अस्पताल भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। आज सुबह प्रातः 9 बजे के करीब जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर के गदुरहवा क्षेत्र में एक मोहम्मद रजा हैं, जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं, इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा, उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। और वहाँ पर सीओ सिटी, इंस्पेक्टर नगर और बाकी फोर्स भी है, उसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा करके हम लोग आगे इसमें छानबीन करवा रहे हैं।